हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? होप यू ऑल आर गुड। आई एम ऑल्सो गुड। और आज मैं थोड़ा सा बैल्कनी में बैठी हूँ क्योंकि इतना दिन के बाद आज थोड़ा सा हवा चल रहा है और वेदर थोड़ा सा नॉर्मल है, एबनॉर्मल नहीं है। बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है आज, और बैल्कनी में बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसे जब बैल्कनी में बहुत अच्छा अच्छा हवा आता है ना, तो बैठने में बहुत अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद बैल्कनी में बैठ के चाय की चुस्की, और उसके बाद मेरा ये चना जोर गरम। मैंने बोला था ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ये लेके आई हूँ। यहाँ पे बैठ के चाय की चुस्की लूँगी और आपसे थोड़ा सा गप करूँगी। और क्या, मैं अकेले नहीं हूँ यहाँ पे, मेरा हस्बैंड भी मेरे साथ है। हम लोग दोनों बैठ के बात कर रहे थे, और फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा वीडियो भी बना लेते हैं। आज वेदर बहुत अच्छा है, लगता है कहीं पे बारिश हुआ है। हम लोग के यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा बारिश हुआ है, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं हुआ है, बट ठीक है। बारिश ना हो, बारिश तो बहुत होता था, फिर भी इतना उमस था, बारिश की ज़रूरत नहीं है। ऐसा थोड़ा सा ठंडा ठंडा हवा, और मेरे किचन के साइड में तो इतना अच्छा हवा दे रहा है कि मेरे पीछे साइड में पूरा एकदम पेड़ पेड़ से किचन की तरफ भरा हुआ है। पीछे पहाड़ भी है एकदम पूरा, और फिर इतना अच्छा से हवा आता है किचन में। तो गाइस, मैं आज आपको एक रेसिपी शेयर करूंगी। और ऐसे भी आज शाम खुद से ना हम लोग को उतना खाने का मन भी नहीं था, क्योंकि दोपहर को थोड़े से हम लोग हेवी खा लिए थे। और दो दिन से मेरा हस्बैंड थोड़ा सा ऑफिस से छुट्टी लेके घर में थोड़ा सा रेस्ट में थे, तो घर में अच्छा हस्बैंड रहने से ही पूरा दिन अच्छा अच्छा खाना बनते ही रहता है और खाना खाते ही रहते हैं हम लोग। तो आज रात को सोचा कि एकदम लाइट खाना बनाऊंगी। तो मैं बनाऊंगी आज सूजी की इडली और उसके साथ चटनी, नारियल की चटनी। तो मैंने सोचा कि ये रेसिपी मैं आपसे शेयर करूं। तो मैं चाय पी के जाऊंगी किचन और मैं बनाऊंगी सूजी की इडली। आप लोग देखिएगा, बहुत ही अच्छा रेसिपी है। मतलब अगर कोई डाइट में है तो सूजी की इडली उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है, और सूजी उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है जो अपने डाइट में फुल रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर लो फैट, लो कैलोरी, मतलब एकदम बहुत अच्छा होता है ये। तो आप सूजी के उपमा, सूजी की इडली, ये सब आप ले सकते हैं। तो मैं आज बनाऊंगी सूजी की इडली। तो सूजी की इडली बनाने के लिए क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए मैं आपको किचन में जाके दिखाऊंगी। और ये पीछे में आप जो मेरा पेड़ देख रहे हैं ना, ये वाला पौधा जो देख रहे हैं, ये आप सब बताइएगा, ये पत्ता जो आप दिख रहा है ये कौन सा पौधा है, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी ये कौन सा पौधा है। मैं आपको दिखा देती हूँ अच्छा से। देखिए ये वाला, तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये कौन सा पौधा है। लेकिन मैं आपको इतना हिंट्स दे सकती हूँ कि ये पौधा का जो पत्ता होता है, इसमें बहुत अच्छा स्मेल होता है, और ये हम लोग के घर में
खाने के अंदर मतलब कुछ ड्रिंक के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं, और ये एक इंग्रेडिएंट्स भी है जो हम लोग का कुछ रेसिपी में भी जाता है। तो इतना हिंट्स मैंने आपको दे दिया, और नहीं बोलने वाली हूँ, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा ये कौन सा पौधा है। ठीक है, तो मैं आ गई हूँ अभी किचन में आपको दिखाने के लिए सूजी के इडली में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। और देखिए मेरे किचन में कितना अच्छा हवा आ रहा है, और मेरा पत्ता हिल रहा था, अभी नहीं हिल रहा, जैसे हिलेगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। देखिए कितना अच्छा हिल रहा है, बोला ना मेरे किचन के बाहर बहुत अच्छा, मतलब एकदम हरा भरा पेड़ से पूरा है, तो बहुत अच्छा हवा आता है। लेकिन जब गर्म होता है तो इतना गर्मी लगता है कि मैं आपको क्या बोलूँ, क्योंकि सुबह का सबसे पहले धूप मेरे किचन में ही आता है, और सुबह सबसे पहले मैं हस्बैंड के लिए यहाँ पे लंच बनाने आती हूँ, मुझे बहुत गर्म लगता है। तो मैं बात ना बढ़ाते हुए जल्दी जल्दी मैं दिखा देती हूँ कि सूजी की इडली में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले तो मुझे चाहिए सूजी। आपके घर में आप लोग जितना सूजी की इडली खाओगे आप वही क्वांटिटी में यूज़ करना, मैं तो पूरा एकदम भर भर के दूंगी। और उसके बाद मैं दूंगी इसके अंदर दही, ये मेरा आधा किलो दही का पैकेट है, तो मैं इसमें 250 ग्राम दही दे दूंगी। और फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको चलाऊंगी, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाऊंगी और इसको चलाते जाऊंगी अच्छा से। आह कितना अच्छा हवा है, ऐसा अगर हवा रहे ना गाइस तो मैं एवरी डे दो दो करके रेसिपी बनाऊं और मैं आप सबसे शेयर करूं। किचन में घुसने से ही डर लगता है, खाना क्या बनाऊं। फिर देखिए ऐसा बहुत अच्छा से इसको मिक्स करना है आपको, चाहे तो आप जितना अच्छा दही दोगे, जितना ज़्यादा दही दोगे उतना अच्छा फ्लफी बनेगा ये और बहुत सॉफ्ट बनेगा। तो मान लीजिए मैं 300 ग्राम ही दही दे दिया इसके अंदर, और मेरा ये सूजी का पैकेट था आपका आधा किलो का, वही पे मैं एकदम 400 ग्राम सूजी दे दी इसके अंदर, 400 ग्राम। और थोड़ा सा इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी, जैसे इडली का बैटर होता है सेम ऐसा ही होगा इसके अंदर। और फिर इसको बहुत अच्छा से मैं मिक्स करूँगी कि इसके अंदर एकदम गुठली ना रहे, इसके अंदर लम्स जैसा एकदम स्मूथ बैटर बनाऊंगी इसको। अभी मैं क्या करूंगी, इसके अंदर नमक ऐड करूंगी, बंद कर। और आप यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक ऐड करना, और फिर मैं इसको और चलाते जाऊंगी। थोड़ा सा पानी थोड़ा सा ज़्यादा करके दीजिएगा, क्योंकि इसको फिर आपको 15 से 20 मिनट इसको थोड़ा सा रेस्ट देना है, फिर उसके बाद आपको बनाना है। तो पानी थोड़ा सा, सूजी थोड़ा सा ज़्यादा रहने से ये पानी खींच लेता है, तो थोड़ा सा पानी दीजिएगा इसके अंदर। अभी मैं बहुत कोई इनो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं इनो यूज़ नहीं करती, क्योंकि उसके अंदर एक इनो का स्मेल होता है, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता। तो मैं मीठा सोडा दूंगी इसके अंदर, और मैं देखिए 1/2 टीस्पून मैं दिया हूँ इसके अंदर। और फिर मैं बहुत अच्छा से इसको फिर चला लूँगी, देखिए अभी ये फूलने लगा है। और मैं ऐसे चला के इसको ढक के 15 से 20 मिनट तक इसको रख दूंगी। तो देखिए मेरा ये हो गया है, और ये देखिए पूरा फूल रहा है, और मैं अभी इसको बैटर रेस्ट पे है, तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ चटनी बना के। तो चटनी बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मैंने मूंगफली ले लिया है, और आप जितना चटनी बनाओगे वही क्वांटिटी का मूंगफली लीजिएगा। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा नारियल ले लिए हैं, और 3-4 हरा मिर्ची ले लिए हो। और उसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, और थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार,
और अभी मैं क्या करूँगी, इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी। इसको ग्राइंड कर लिया हूँ, अभी मैं क्या करूँगी, इसको गैस के अंदर थोड़ा सा मैं ऑयल दूँगी और फिर मैं उसके बाद मस्टर्ड सीड दूँगी थोड़ा सा और दूँगी मैं इसके अंदर दो सूखा मिर्च। मेरे पास करी पत्ता नहीं है, मेरे पास करी पत्ता का पेड़ था लेकिन जब कोलकाता गई थी तो मेरा करी पत्ता सब पेड़ ख़राब हो गया है। तो एक बच्चा करी पत्ता पेड़ से, देखिए मैं थोड़ा सा करी पत्ता लेके आई हूँ, तो आप अच्छा से दीजिएगा, मेरे पास नहीं था इसलिए मैं नहीं दे पाया हूँ। और इसको थोड़ा सा अच्छा से चला लूँगा मैं। और देखिए इस साइड में मैं अभी इडली इसके अंदर ही बनाऊँगी, तो मैंने थोड़ा सा इसके अंदर एक स्टील का ये दे दिए हैं स्टैंड, और मैं थोड़ा सा पानी दे दिया हूँ और इसको थोड़ा सा भी ढक दूँगी ऐसे करके। और मैं यहाँ पे जो मैंने नारियल का चटनी का ये किया था मिक्सी में, इसको मैं इसके अंदर डाल दूँगी अभी। आपको जितना ठीक खाना है, पतला खाना है, बहुत ही, मैं ना थोड़ा सा ठीक बनाऊंगी ना थोड़ा सा पतला। बापरे इतना हवा आ रहा है, तो देखिए ऐसा थोड़ा सा मैं होने दूंगी इसको। मैं थोड़ा सा नमक टेस्ट करके देख लेती हूँ, ठीक है। और इसी बीच में ये जब तक हो रहा है तब तक मैं क्या करूँगी, ऐसे मेरे पास ऐसा टाइप का इडली का स्टैंड है, मैं ऐसे ब्रश की मदद से इस स्टैंड में ऐसे करके ऑयल ब्रश कर लूँगी। ऐसे करके और फिर मैं देखिए पूरा फूल गया है, और मैं ऐसे करके इसके अंदर बहुत जल्दी एकदम झटपट, आपको अगर कभी खाना बनाने का इच्छा ना हो तो आप शॉर्टकट में एकदम हेल्दी खाना बना के तुरंत सर्व कर सकते हैं। ऐसे करके अभी मैं क्या करूँगी, इसको ऐसे करके स्टैंड में देख के, और फिर मैं क्या करूँगी इसके इसके अंदर देख के अच्छे से ढक दूँगी। बस सिंपल। और ये मेरा यहाँ पे चटनी भी बन गया है पूरा, देखिए। मैं इसको एक कटोरी में ले लेती हूँ, और मैं अभी इसको गैस बंद कर देती हूँ और इसको डाल देती हूँ। तो मेरा चटनी बन गया, इसको ढक के मैं रख दूँगी। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा इडली कैसे बना है, थोड़ा सा होने दीजिए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। हमें क्या देखा, तो था ना कितना झटपट ये इडली का रेसिपी। तो घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए, और ब्रेकफास्ट पे, लंच पे, डिनर पे कभी भी आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, कम तेल, बिना ऑयल, मतलब एकदम मसाला नहीं है इसके अंदर, और एकदम टेस्टी टेस्टी। तो मेरा हो गया यहाँ पे, और ये देखिए ऐसे बना है। और मैं अभी
आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना जालीदार बना है, ये ऐसे करके देखिए। ये देखिए और आपको दिखा देता, ये देखिए कितना, पीछे देखिए कितना अच्छा बना है ये। ये देखिए तो मेरा ये देखिए बनके पूरा रेडी है, इडली, सूजी के इडली और चटनी, झटपट रेसिपी बनाई है। और देखें ये कितना क्विक रेसिपी है, और क्या डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट में जब इच्छा हो आप बना के खाओ, कहीं पे आप कैरी करके लेके जाओ, बहुत ही हेल्दी टेस्टी। मैं आज टेस्ट नहीं करूँगी, आप लोग घर पे बना के टेस्ट करके मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और हाँ, मेरे चैनल पे जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और पास में जो बेल है उसको प्रेस करके कर देना, तो मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप मेरा वीडियो देख पाइएगा। और शेयर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड्स से, और लाइक कीजिएगा, और बहुत अच्छा से कमेंट्स कीजिएगा कि मुझे पढ़ते पढ़ते इतना मन मन में खुशी हो कि मैं दूसरा दिन मोटिवेशन मिल जाए, मुझे और एक रेसिपी बनाओ या और कुछ अच्छे अच्छे बातें लेके आओ। तो टिल देन, बाय बाय, गुड नाइट।